स्वागत है आपका मेरे चैनल मेकअप वीडियो में। आज मैं आपके लिए ये लुक लेके आई हूँ, नाइट पार्टी मेकअप लुक। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले निविया की मॉइस्चराइजर क्रीम लगाऊंगी मैं यहाँ पे सबसे पहले। तो और मेरी स्किन ड्राई है तो मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइजर कर लूँगी अच्छे से। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे अच्छे से लगा ले रही हूँ क्रीम। अब इसके बाद मैं प्राइमर लगाऊंगी। प्राइमर मैं मिस रोज का लगा रही हूँ और ये थोड़ा सा ज़्यादा निकल आया था तो मैंने इसको लगा लिया थोड़ा सा। तो अब मैं अपने दोनों हाथों से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे अपनी आईब्रो को डिफाइन करूँगी और मैं यहाँ पे म्यूजिक फ्लावर का आईलाइनर मतलब पोमेड ले रही हूँ और यहाँ पे मैंने शेड लिया है ब्राउन। यहाँ मैं अच्छे से शेप दूँगी और अपनी आईब्रो को डिफाइन कर लूँगी अच्छे से। तो आप देख सकते हो मैं अच्छे से डिफाइन कर ले रही हूँ। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ डिफाइन अच्छे से। अब मैं यहाँ पे अपनी मेरी हो चुकी है एक आईब्रो, अब मैं अपनी दूसरी आईब्रो को भी डिफाइन कर लूँगी। तो आप देख सकते हो मेरी आईब्रो हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे आइस मतलब अपनी आइस की तरफ चलती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी आइस को प्राइम कर लूँगी और यहाँ पर मैंने कंसीलर मार्क्स का लिया है तो यहाँ पर मैं अच्छे से अपने आई लिड पर अप्लाई कर ले रही हूँ। और शेड लिया है मैंने यहाँ पर 1 और यहाँ पे अपने आईब्रो को भी क्लीन कर लूँगी अच्छे से फ्लैट ब्रश की सहायता से। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपने दूसरे आईज पे भी लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि हमारी आईज पे कोई ड्राई पैचेस ना बने। तो यहाँ मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो यहाँ पे मेरा हो चुका है मतलब ब्लेंड। अब मैं यहाँ पे ADS का बनाना पाउडर से इसको सेट कर लूँगी। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे अच्छे से लगा ले रही हूँ। तो लग चुका है। अब हम चलते हैं अपने आई शेडो की तरफ। अब मैंने यहाँ पे मिस रोज की पैलेट लिए है और ये वाला शेड लेके अपनी क्रीज में अप्लाई करूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ और यहाँ पे मैंने बहुत ही हल्का हल्का करके अपनी क्रीज पे अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो डार्क हो चुका है, मेरी क्रीज को डार्क कर ले रही हूँ अच्छे से सेक देते हुए। अब इसके बाद मैं फिर से वही शेड लेके अपनी क्रीज में अच्छे से थोड़ा डार्क होने तक ब्लेंड करूँगी। और जो मेरे ड्रेस में जो मोती लगे हैं मैं वही वाला शेड अपने आईज पे अप्लाई करूँगी आज। उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना आई लुक करूँगी। रेड और ग्रे कलर है तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे कट क्रीज कर ले रही हूँ और मैंने वही कंसीलर लेके अपनी कट क्रीज बनाऊँगी। और ये वाला शेड लेके मैं अपने आईलेट पे अप्लाई करूँगी। पहले ब्रश से अप्लाई करूँगी, इसके बाद मैं फिंगर की सहायता से इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी। और सॉरी बाहर की आवाज़ आने के लिए मैं आप सबसे सॉरी बोलती हूँ, किसी के यहाँ पे शादी पार्टी होगी तो इसलिए बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अप्लाई कर ले रही। अब मैं यहाँ पे फिंगर की सहायता से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अब यहाँ पे ब्रश की सहायता से इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे ये शेड मिक्स कर ले रही हूँ ताकि अलग अलग ना दिखाई दे। और यहाँ पे मैंने ब्लैक शेड लेके अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी ताकि दोनों शेड मिक्स हो जाएं और हमारी आईज को अच्छी सी शेप भी मिल जाए। तो आप देख सकते हो मेरी आईज का लुक। अब मैं अपनी दोनों आईज को भी कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपनी दोनों आईज कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं अपनी आईब्रो को हाईलाइट कर लूँगी।
इसी में से बाइट सीड लेके। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपनी आईब्रो को हाईलाइट कर ली है। अब मैं यहाँ पर मैक का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं एक लाइनर ड्रॉ करूँगी। अब देख सकते हो मैं यहाँ पर एक विंग लाइनर बना दे रही हूँ। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मैं अपनी दूसरी को आइस को भी कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो आप देख सकते हो मेरी दोनों आइस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं अपने बेस की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे CBB का फाउंडेशन ले रही हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया फाउंडेशन है। तो मैं यहाँ पे आप एक इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैं आप अपने पूरे फेस पर डॉटर करके लगा ले रही हूँ। अब ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ, यहाँ पे कर ले रही हूँ अच्छे से ब्लेंड। और आप जितना अच्छा ब्लेंड करोगे उतना ही अच्छा मेकअप उभर के आएगा। तो यहाँ पे मैं अच्छे से ब्लेंडिंग करूँगी, जितनी हो सके उतना अच्छा ब्लेंड करिएगा। मैं यहाँ पे अपने नेक को भी ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अच्छे से ब्लेंडिंग कर ली है। अब मैं यहाँ पे वो कंसीलर मार्क्स का कंसीलर लेके अपने डार्क सर्कल को कवर करूँगी। तो आप देख सकते हो, और हाईलाइट भी करूँगी अपने हाईलाइट एरिया को। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से इसको अच्छे से ब्लेंडिंग करूंगी। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे हो चुकी है अच्छे से ब्लेंडिंग। अब मैं यहाँ पे ADS के बनाना पाउडर से इसको दोबारा से सेट करूंगी कंसीलर को। अब मैं यहाँ पे अपनी लोअर लेफ्ट लाइन की तरफ चलती हूँ, और मैंने यहाँ पे डार्क शेड लेके अपनी लोअर लेफ्ट लाइन पे लगाऊंगी। और इसके बाद मैं ब्लैक शेड लेके अपनी लोअर लेफ्ट लाइन पे लगा लूँगी। तो आप देख सकते हो मेरी आईज का लुक। अब मैं सेम आईज को दूसरी आईज पे भी लगाऊंगी। अब मैं अपने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो पाउडर है मैं उसको सारा रिमूव कर दूँगी। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे अच्छे से रिमूव कर दे रही हूँ अपने पाउडर को। अब मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग कर लूँगी कॉन्टोर ब्रश की सहायता से। आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे हो चुका है कॉन्टोरिंग, अच्छे से कॉन्टोरिंग कर लूँगी। फोरहेड को भी करूँगी और नोज को भी करूँगी, अच्छे से कर लूँगी कॉन्टोरिंग ताकि हमारी नोज़ को एक अच्छी शेप मिल जाए। तो आप देख सकते हो, और जॉ लाइन को भी कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे ब्लश अप्लाई कर लूँगी। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बहुत ही हल्का ब्लश यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे हाइलाइटर भी यूज़ कर लूँगी, और आप देख सकते हो इसकी शाइन कितनी अच्छी है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे काजल अप्लाई करूँगी। काजल मैंने मियोन का अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बढ़िया काजल है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से इसको अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे हो चुका मेरा काजल अप्लाई। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने मस्कारा की तरफ। मस्कारा मैंने APK का लिया है, ये वॉल्यूम मस्कारा है। तो आप देख सकते हो, और इससे मेरी आईज एकदम वाटर प्रूफ और अच्छी हो जाती है मेरी। अब मैं यहाँ पे मतलब आईलैशेस लगा लूँगी। तो देख सकते हो मैंने आईलैशेस लगा ली हैं। अब मैं यहाँ पे किस ब्यूटी की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, और मैंने शेड लिया है ब्राउन। मैं यहाँ पे एक ब्रश की सहायता से अप्लाई करूँगी।
तो यहाँ पे मैं अच्छे से शेप देके अपने लिप को अप्लाई कर लूँगी लिपस्टिक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से अप्लाई कर ली है मैंने। तो आप देख सकते हो मेरा ये लुक। और सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा गाना बज रहा था, मैं यहाँ पे डांस कर रही थी तो इसके लिए सॉरी। अब मैं यहाँ पे हेयर स्टाइल और इयर रिंग्स पहन के आती हूँ। तो आप देख सकते हो ये है मेरा फाइनल लुक। तो कैसा लगा आपको मेरा ये फाइनल लुक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा।